नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स में मैं आपके लिए लाया हूँ पुस्तक की समीक्षा, बुक रिव्यू द प्रिंस का। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। ये किताब का फ्रंट पेज है, कवर आप देख रहे होंगे, ये फ्रंट पर किताब ऐसी है। अगर किताब को पीछे देखेंगे कब आप इसका किताब का कवर, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। पहले मैं कुछ राइटर निकोलो मैकियावेली के बारे में आपको बता दूं। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस में हुआ था, जो आज इटली में है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध देखे। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं द डिस्कोर्सेस और मंद्रागोला, जो कि एक नाटक है। मैकियावेली की मृत्यु 20 जून 1527 को हुई। पुस्तक के बारे में आपको मैं बता दूं, ये पुस्तक 1513 में प्रकाशित हुई थी। और मैकियावेली ने उस समय के जो प्रिंस थे, मैग्निफिसेंट लोरेंजो दी मेडिची, उनको ये समर्पित की थी। पुस्तक में कुल 41 अध्याय हैं। किताब मूलभूत रूप से इटालियन में लिखी गई थी। और आज इस किताब की खास बात यह है कि यह किताब हालांकि 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, लेकिन हर सरकारी विद्यार्थी और सत्ता को समझने के लिए जो कूटनीति में विश्वास रखते हैं, उसकी आधारभूत पुस्तक है। और पूरी दुनिया के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई जाती है, जिनको भी स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स समझनी होती है और जो पावर पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये किताब बाइबल से कम नहीं है। इस किताब में चैप्टर वाइज मैंने ऊपर चैप्टर लिखा है और बैगनी से मैंने उसका टाइटल लिखा है, और हिंदी में मैं आपको उसको समझाता जाऊंगा। इस किताब के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कवर करूंगा। हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी में जो चैप्टर 2 में लिखा है, उसने लिखा है मैकियावेली ने, कि जो वंशागत राजकुमार होता है उसको जनता का सहर्ष प्यार प्राप्त होता है, प्रजा भी उससे स्वाभाविक प्रेम करती है। चैप्टर 3 मिक्स प्रिंसिपैलिटीज में दिया है कि यदि कई सारे परिवार हों तो 70 परिवार को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद नए बने राजा को कानून और कर में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, जिसे जनता माफ कर देती है, और नए शासक को जनता के बीच में वहीं पर ही रहना चाहिए। उसी चैप्टर में मैकियावेली कहते हैं कि जब कई सारे कमजोर मित्र होते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं शक्तिशाली मित्र को हराने के लिए, और जो व्यक्ति या जो प्रिंस अन्य लोगों को शक्तिशाली बनाता है वो बाद में स्वयं को ही बर्बाद कर लेता है। चैप्टर 5 में, जिसमें बताया गया है कि हाउ टू गवर्न सिटीज एंड प्रिंसिपैलिटीज दैट प्रायर टू बींग ऑक्यूपाइड लिव्ड अंडर देयर ओन लॉज, तो वो राज्य जहाँ पर आपका राज्य नहीं चलता था और आपने उनको कब्जा किया हो, तो उस शहर को पूरी तरह नष्ट कर दो। उसके बाद वहाँ व्यक्तिगत रूप से रहो और उनके कानूनों के साथ शासन में अपने लोगों को स्थापित कर दें, अगर आप वहाँ नहीं रहते हो तो, और उनसे धन लेते रहें। तो वहीं के कुछ लोग ढूंढें जो कि आपके जैसे हों, उनको सरकार में बैठाएं, अपना धन लेते रहें और आप वहाँ से जा सकते हैं। चैप्टर 6 में लिखा है कि कंसर्निंग न्यू प्रिंसिपैलिटीज एक्वायर्ड बाय वंस ओन आर्म्स एंड एबिलिटी, अगर आपने अपने हथियारों से और अपनी ताकत से जगह को जीता है, तो सबसे मुश्किल कार्य हमेशा होता है वहाँ के कानूनों को बदलना, क्योंकि जिन लोगों को उस कानूनों का लाभ मिल रहा होता है वो लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं। इसके बाद आगे चैप्टर 8 में आपका कहना है कि मनुष्य या तो भय से नुकसान पहुंचाते हैं या फिर घृणा से, इसके अतिरिक्त मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगले में लिखा है कि कंसर्निंग द सिविल प्रिंसिपैलिटीज, इसमें मैकियावेली का कथन है कि जनता की वफादारी को राजकुमार के लिए खरीदना चाहिए, और बुद्धिमान राजकुमार को सब कुछ ऐसे देना चाहिए कि जैसे कि जनता को उसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहे और उसकी सरकार की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहे, तभी वो लोग उसके लिए वफादार साबित होते हैं। चैप्टर 10 में उसने लिखा है कि हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर प्रिंसिपैलिटी शुड बी मेजर्ड, एक राज्य की शक्ति को कैसे नापा जाना चाहिए। तो उसका कहना है कि बड़ी से बड़ी आर्मी बनानी चाहिए, जिसमें कभी भी आदमियों की और धन की कभी कमी ना हो। राजा को एक बहुत ही मजबूत शहर बनाना चाहिए, जिसको भेदना लगभग नामुमकिन हो, और उसे जनता का प्यार हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कंसर्निंग वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रूप्स एंड स्पेशलिटी मशीनरीज, मतलब हथियार और ट्रूप के बारे में जो मैकियावेली के कथन है वो ये हैं कि मजबूत कानून व मजबूत सैन्य ताकत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है किसी भी राज्य के लिए। सैनिक हमेशा वेतन के लिए कार्य करते हैं, शांति में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन युद्ध के समय वो भागने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक संभव हो सके राजा को अपने ही लोगों की सेना बनानी चाहिए, किसी बाहर से लाए हुए लोगों की सेना पर भरोसा कम करना चाहिए। ये भी लिखा है उसमें कि जहाँ तक हो बाहर के लोगों से बनाई हुई सेना से राजा को बचना चाहिए, और कोई भी राज्य जिसके पास अपने हथियार नहीं है वह सुरक्षित नहीं है, तो राजा को अधिक से अधिक हथियार बनाने में सक्षम होना चाहिए और अधिक से अधिक हथियार बनाने चाहिए।
चैप्टर 14 जिसमें प्रिंस का कंसर्न है मिलिट्री मैटर्स के लिए, तो उसका ये लिखा है कि उसका एकमात्र उद्देश्य युद्ध की तकनीक और विधाएं जानना है, यहाँ तक कि शांति में भी, शांति काल में भी वो हमेशा युद्ध की तकनीक और विधाओं को जानता रहे, लगातार इस पर सतत प्रयास करता रहे। और अगर उसने हथियारों के बनाने ज़्यादा अपने आराम पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो प्रिंस यानी राजकुमार का अंत निश्चित है। इसके बाद एक राजकुमार के लिए लिखा है उसने कि बुद्धिमान राजकुमार को कभी भी ये कहलाया जाना बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो कंजूस है, हमेशा उसे अपना सादा सादगी इस सब चीज़ों का प्रचार करना चाहिए जिससे जनता का उसके लिए एडमायरेशन बने। कभी भी उसे ज़्यादा तड़क भड़क और चटक मटक की चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए जनता के लिए, एक कंजूस भी अगर जनता कहते तो वो भी कोई बुरा उसको नहीं लगना चाहिए। इसके बाद उसने लिखा है कि राजा की हमेशा इच्छा होती है कि वो क्रूर के बजाय दयालु के रूप में याद रखा जाए, लेकिन अगर क्रूरता का इल्जाम उसके ऊपर लगता है कि वो काफ़ी क्रूर भी है तो भी उसको परहेज नहीं करना चाहिए। इसके उसने लिखा है कि बुरी व्यवस्था से सारे नागरिकों को नुकसान होता है और फांसी से कुछ लोगों का ही नुकसान होता है, तो राजा को सजा देते समय हमेशा सजग रहना चाहिए और सजा दे देनी चाहिए लेकिन व्यवस्था को उसको हमेशा दुरुस्त कायम रखना चाहिए। इसके लिखा है कि राजकुमार को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब लोग उससे डरते हैं, ना कि तब जब लोग उससे प्यार करते हैं। आगे चलकर चैप्टर 16 में मैकियावेली ने जो नसीहत दी वो ये कही है, बहुत बड़ी नसीहत है, कि जनता की संपत्ति और जनता की औरतों को कभी मत ना छुएं। और मनुष्य अपने पिताजी की मृत्यु को तो भूल सकता है पर अपनी विरासत को हुए नुकसान को कभी नहीं भूल सकता। इसका चैप्टर 18 में मैकियावेली कहते हैं कि भीड़ हमेशा छवि और नतीजों से प्रभावित होती है और संसार भीड़ से भरा हुआ है, तो राजा को अपनी छवि और नतीजों का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। आगे चल के वो कहते हैं कि भरोसेमंद सेना का अर्थ है भरोसेमंद मित्र, और राजकुमार को मंत्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए लेकिन साधारण जनता की घृणा से उसको बचना चाहिए। आगे चल के वो ये भी कहता है कि बिना मुकदमे के किसी भी एक व्यक्ति को फांसी नहीं होनी चाहिए, जनता को हमेशा लगना चाहिए कि वहाँ कानून का राज है, और अंगरक्षक जो राजा का होता है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया जाने वाला निर्णय होता है कि गलत अंगरक्षक सीधे राजा की जान ले सकता है, ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी जी के साथ देखा था। चैप्टर 21 में आप देखें तो इसमें कहते हैं कि व्हाट अ प्रिंस मस्ट डू टू बी एस्टीम्ड, प्रशंसा पाने के लिए राजा को क्या करना चाहिए, तो उसमें लिखा है कि जहाँ तक संभव हो राजकुमार को दूसरों की दया पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसे ऐसी छवि दिखानी चाहिए कि वो अपने आप में सक्षम है हर चीज़ में। दूसरा, उसको हमेशा यह दिखाना चाहिए कि वो बेहतरीन कलाओं से भरा हुआ है, तो जितना वो राजकुमार राजा अपना प्रचार कर सकेगा कि उसके अंदर कलाओं ये भरपूर भरी हुई हैं उतना ही वो जनता के बीच में लोकप्रिय जल्दी होगा। इसके बाद जो व्यक्ति कलाओं से परिपूर्ण है वह किसी हुनर में आगे हैं उनको सम्मानित करके राजकुमार को दिखाना चाहिए कि वह प्रतिभा को पसंद करता है। 22वां लिखा है कि अपने राजा को अपने मंत्रियों का चरित्र कैसे जानना चाहिए, तो उसका पैमाना उसने बहुत सीधा सा दिया है कि अगर वो मंत्री अपने बारे में ही सोच रहा है तो यह बुरा है, और राजा को प्रिंस को मंत्रियों के लिए सम्मान देना चाहिए, पैसा देना चाहिए और अपने ऊपर आश्रित रखना चाहिए। कुछ अन्य बातें जो उसने कही हैं वो ये कही हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, जैसे कि राजशाही आसानी से तानाशाही में परिवर्तित हो जाती है, शिष्टजन राज आसानी से कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और प्रजातंत्र आसानी के साथ अराजकता में परिवर्तित हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बचना चाहिए। आगे वो ये भी कहता है कानून के साथ कि सभी मनुष्य स्वभाव से धूर्त होते हैं और गरीबी और भूख से मनुष्य मेहनती बनता है और कानूनों से वो बेहतर बनता है, और सर्वोत्तम एज या सर्वोत्तम जो समय होता है किसी भी राज्य का वही होता है कि हर मनुष्य अपने मत पे जिसे वो पसंद करता है रुक सकता है व उसका वो बचाव कर सकता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के अन्य बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर भरे हुए हैं, आपके लिए मैंने बहुत नटशेल में इतनी मोटी किताब को समझाया है और आप इससे किसी को बड़े आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। किताब यूरोपियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आवश्यक है और इसके अलावा सबके लिए, और काफ़ी उस समय का परिप्रेक्ष्य भी आपको मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।